Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. खबर खंडवा से, जहां पर खंडवा के खालवा में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साधा मोदी पर निशाना, व साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान पर भी साधा निशाना। कहा मोदी जी ने, जब से पैजामा पहनना शुरू किया है उसके पहले से ही नेहरू जी ने भारतीय सेना का गठन किया था। उन्होंने कहा, अच्छे दिन तो नहीं है लेकिन अब बीजेपी के आखिरी दिन जरूर आ चुके हैं। देखिए पूरी खबर IBN 24 न्यूज पर फरीद मंसूरी के साथ। जिन चिल्लाती धूप के अंदर यहाँ उपस्थित है कथागण, युवा शक्ति, आप सबको प्रणाम और नमन। क्योंकि ये आपके नेतृत्व में एक संकल्प लिया था, वक्त है बदलाव का। इसके बाद मैं देखूंगा कौन से गुंडा और कौन सी गुंडागर्दी हर सूट में चलती है। मैं देखूंगा, कान खोल के सुन ले, उनमें से यहाँ कोई है वो भी कान खोल के सुन ले कि इनको कैसे ठिकाने लगाया जाएगा। ये कमलनाथ दिखाएंगे उनको। रामू के काम तो आपकी सेवा करेंगे, रामू के पीछे मैं खड़ा हूंगा। इसको तो आप पकड़िएगा, सेवा करवाइएगा, काम कराइएगा, नहीं करेगा इसके कपड़े फाड़िएगा। सुरक्षित था मोदी जी, जब आपने पजामा और पैंट पहनना सीखा नहीं था तब जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने इस देश की फौज बनाई थी, एयरफोर्स बनाई थी, नेवी बनाई थी, और आप कहते देश सुरक्षित है। आपके नीचे सबसे ज्यादा आतंकी हमले, सबसे ज्यादा आतंकी हमले किसके कार्यकाल में हुए, किसकी सरकार थी दिल्ली में? मैं संसद पर आतंकी हमला हुआ, किसकी सरकार थी दिल्ली में? किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी। और आंकड़े बताते हैं, सबसे ज्यादा आतंकी हमले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है तब होते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ आज कहा है कि हर सूट का उपेक्षित इतिहास में बदल, और मुझे कोई शक नहीं कि हर सूट के लोग, खंडवा की जनता, मैथुन की जनता सच्चाई का साथ देंगे। जो तस्वीर उनके सामने है, तस्वीर देखते सच्चाई का साथ देंगे और अपना भविष्य सुरक्षित। गोद लेने की बात है, मैंने कहा है, क्योंकि मैंने कहा ये एक प्रतीक है, जो उपेक्षित इतिहास है, जो प्रतीक है उसका मुझे, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसे गोद लूं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।